सॉरी अबाउट दैट। ओके तो जस्ट मैं शेयर कर रहा था कि जब हम स्कूल में रहते हैं या किसी चीज हमने जब स्कूलिंग की थी तब एग्जाम के समय हमने शायद क्वेश्चन पेपर लिया होगा, करेक्ट, या आपने देखा होगा बच्चों को लेते हुए। तो उस केस में काफी टाइम दो दो टाइप के बच्चे रहते हैं, करेक्ट, दो टाइप के बच्चे रहते हैं, एक जो स्लो लिखते हैं और एक फास्ट जो लिखते हैं, करेक्ट। और जनरली हमारी राइटिंग नॉर्मल में रहती है, ठीक है। तो जो स्लो बच्चे लिखते हैं उनका आप देखोगे कि वो बहुत ही राउंड उनकी राइटिंग रहती है, ठीक ऐसे करके लिखते हैं, करेक्ट। और जो फास्ट राइटिंग लिखते हैं वो काफी एंगल से लिखते हैं, करेक्ट, ऐसे करके लिखते हैं, है कि नहीं। तो इस केस में जो भी स्लो बच्चे लिखते हैं उनकी जो क्वालिटीज होती हैं, पहली वाली लिखती हैं कि वो एक सेकेंड, तो तीन क्वालिटीज बेसिकली ये होती हैं, ठीक है। थिंक माय हेल्थ इज नॉट गुड। तो फर्स्ट चीज होती है कि वो सेल्फ कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। आप जब भी इनको क्वेश्चन पूछेंगे या क्लास में खड़ा करवाएंगे तो ये काफी सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं इस चीज को लेकर के, ठीक है। एंड सेकेंड क्वालिटी इनको होती है कि ये काफी स्लो होते हैं, राइट। तो इनको काफी टीचर्स स्टूपिड या कुछ करके बुलाते हैं एंड ऑल दैट। तीसरी चीज होती है काफी जो लोग स्लो लिखते हैं ये लिखते हैं और दे कांट एबल टू कीप अप विद द पीपल, तो ये काफी टाइम डिसऑनेस्ट टाइप के हो जाते हैं। तो इन टर्म्स ऑफ की होमवर्क करके लाए कि नहीं, क्या किया, ये किया, तो अपने आप को बचाने के लिए, ये करने के लिए काफी टाइम ये झूठ भी बोल सकते हैं, ये कर सकते हैं, करेक्ट। नेक्स्ट चीज होती है जो फास्ट राइटिंग्स होते हैं, तो फर्स्ट चीज होते हैं उनका टाइम सेविंग क्वालिटी होता है, ठीक है। ये समय बचाना चाहते हैं हर चीज को लेकर के, और इन टर्म्स ऑफ मैनुअल स्किल इनका अच्छा होता है, मतलब आर्ट्स एंड क्राफ्ट हो गया और वर्कशॉप्स ये करके। तो फॉर एग्जांपल इनका इंजीनियरिंग में अच्छा करते हैं, ओके, लाइक मैकेनिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग और आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ओके, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल। क्योंकि अगर आप देखो इस केस में भी राइटिंग, जो जर्मन लोग होते हैं उनकी राइटिंग काफी शार्प होती है या बहुत ही ब्लॉक तरीके से लिखते हैं, ठीक है, इस केस में तो उनकी राइटिंग बेसिकली एक टाइम सेविंग क्वालिटी होती है। और तीसरी चीज, क्योंकि ये काफी चीजों इन चीजों में अच्छे रहते हैं, ओके, दे आर ऑल्सो वेरी इन्वेंटिव, करेक्ट। तो नई चीजें बनाना, नई चीजें इन्वेंट करना, ये फास्ट राइटिंग वाले ये अच्छे होते हैं। जो इनके केस में आई वुड से कि काफी चीजें जो ये अच्छे हो सकते हैं इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग हो गया, ओके, एंड सेफ्टी, करेक्ट, जहाँ पे स्पीड की जरूरत नहीं होती, ये जरूरत होती है, करेक्ट। तो जो चीजों में डबल चेक करना होता है ये अच्छे होते हैं, और जहां पे टाइम बचा करके एफिशिएंसी होना होता है ये लोग काफी अच्छे होते हैं, ठीक है। जो भी फास्ट राइटिंग स्लो राइटिंग का पार्ट ये हो गया, ठीक है।
ठीक है, तो फास्ट राइटिंग स्लो राइटिंग मैंने बेसिकली कवर कर लिया आपके लिए। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस हैं इस पे? क्योंकि हम रिदम एंड फॉर्म क्वालिटी करेंगे, उसके बाद हम एंड करेंगे क्लास। ठीक है, अनदर 10-15 मिनट्स। हेलो धारनी जी, मौली, लोकेश सर, कोई क्वेश्चंस हैं आपके? नो, यू कैन गो अहेड प्लीज। ओके डन। ओके, तो हमने बेसिकली स्पीड कवर अप कर दिया है, स्पीड जो ये है, लेकिन जो रिदम होती है राइटिंग की, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने ओल्ड इंग्लिश राइटिंग देख ली है, ओल्ड इंग्लिश राइटिंग आपने देखी होगी, ओके, तो उसमें आपको एक रिदम दिखेगा, एक डांस टाइप का दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके वो लिखते हैं, फिर मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिया, इससे बहुत अच्छा लिखते हैं ऑब्वियसली। तो रिदम इज बेसिकली दी हार्ट बीट ऑफ द राइटिंग। करेक्ट, तो इट्स बेसिकली लाइक म्यूजिक। तो एक हर एक राइट पर्सन की राइटिंग में एक रिदम होता है, अगर आप देखो तो एक यूनिक टाइप की क्वालिटी होती जो बेसिकली पूरी राइटिंग में दिखती है। अगर आप ऐसे ऐसे करके स्क्रिबल कर रहे हो तो नीचे भी आप ऐसे ऐसे करके स्क्रिबल करोगे ही। करेक्ट, तो ये बेसिकली राइटिंग की रिदम हो गई कि ये स्क्रिबल करने वाला बंदा है। ठीक है, और जो बहुत ही मतलब ये अच्छे एंडिंग्स और ये सब से लिखते हैं, तो नीचे भी ये वैसे ही लिखेंगे। करेक्ट, तो ये इस राइटिंग की यूनिक क्वालिटी हो गई। ओके, सो ये बेसिकली राइटिंग की जो पूरे राइटिंग को जोड़ने वाली हो गई, बात हो गई, और ये बेसिकली पर्सन की क्वालिटी या माइंडसेट बताता है कि ये पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। करेक्ट, सो फॉर एग्जांपल इस केस में ये काफी एलिगेंट टाइप का पर्सन है, मे बी इसको नो जो भी ओल्ड इंग्लिश के कस्टम्स हो गए, या नो वेल मैनर्ड हो गए। फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एज एन एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यू हैव टू सी द होल राइटिंग टू अंडरस्टैंड इट। करेक्ट, सो टू चेक रिदम ऑफ द राइटिंग, व्हाट आर द थिंग्स यू हैव टू डू? फर्स्ट यू हैव टू सी द हाइट ऑफ द राइटिंग, मतलब इस पार्ट को आपको बेसिकली चेक करना है, फिर आपको इसका विड्थ चेक करना है। करेक्ट, कि इस हाइट से इस विड्थ से ये चल रहा है, ओके, और कितनी स्पेसिंग आप दे रहे हो इस राइटिंग के बीच में। ठीक है, एंड नेक्स्ट थिंग यू हैव टू सी कि कितना प्रेशर आप डाल रहे हो राइटिंग में। ठीक है, तो मेनली जो राइटिंग का ये पार्ट होता है, जो आप तीन फिंगर पकड़ के राइटिंग कर रहे हो, तो यू बेसिकली क्रिएट अ 3D इमेज ऑफ राइटिंग। करेक्ट, एक 3D इमेज आप क्रिएट कर रहे हो विद डेप्थ बेसिकली ऑफ योर पर्सनालिटी ऑन पेपर, है कि नहीं? केस में तो हर एक पर्सन की राइटिंग में एक यूनिक क्वालिटी होती है, तो आपको बेसिकली समझना पड़ता है। तो पहले आप इंट्यूटिवली समझते हो उसको कि ओके, ये बंदा बहुत ही हार्ड लिख रहा है, ये शार्प लिख रहा है, तो इस बंदे के अंदर बहुत ही ज्यादा इमोशंस हैं, और ये बंदा गुस्सा करेगा तो बहुत गुस्सा करेगा, प्यार करेगा तो बहुत प्यार करेगा। करेक्ट, ये बात होगी। करेक्ट, और अगर आप
ज्यादा प्रेशर डाल के नहीं लिख रहे हो। ओके सो देन ओके सो दिस पर्सन इज मोर इजी गोइंग, एलिगेंट, करेक्ट, मोर प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन। ओके, और अगर आप शार्प लिख रहे हो, ये कर रहे हो, करेक्ट, सो दिस पर्सन इज रिजल्ट ओरिएंटेड, डजेंट केयर अबाउट पीपल मच कंपेयर टू हिम। ओके, जो इमोशनल पर्सन है, दिस पर्सन केयर्स अबाउट पीपल, बट समवन हु इज राइटिंग शार्प डजेंट केयर अबाउट पीपल, मोर वर्क ओरिएंटेड देन पीपल ओरिएंटेड, दिस पर्सन विल डू गुड विथ मे बी जो लेबरर्स होते हैं, ये होते हैं, उनसे काम निकलवाना होता है, तो आप ये पर्सन को चूज करेंगे। ये पर्सन को करेक्ट मेनली आप चूज करेंगे जहाँ पे मे बी पीपल मैनेजमेंट, और ये जहाँ पे कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर हो गया, कि कोई रिलेशनशिप बनाता है कस्टमर और हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल के साथ, करेक्ट, कि ठीक है क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, मे बी एज अ साइकोलॉजिस्ट और टीचर, करेक्ट, समवन हु केयर्स अबाउट पीपल, आप ये पर्सन को चूज करोगे। ये पर्सन को वहां नहीं डालोगे क्योंकि ये मार मार के काम निकल वाला रहता है, करेक्ट, तो मे बी समवन लाइक अ मैनेजर, करेक्ट, दिस पर्सन वुड बी गुड, दिस पर्सन वुड बी गुड मे बी इन आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड कल्चर एंड एवरीथिंग। तो आपको समझना होगा कि हर किसी की राइटिंग की क्या रिदम होती है, फॉर्म क्वालिटी होती है, ये पहली चीज आप देखते हो राइटिंग में, तो आपको थोड़ा सा बहुत इंट्यूशन हो जाता है कि ये पर्सन कैसा है, ठीक है। फिर आपको साइंटिफिकली जो मैंने बताया है आपको कि स्लैंट, साइज, प्रेशर, ओके, एंड स्पेसिंग, जोन्स, ओके, इन चीजों से आप पता लगा सकते हो, करेक्ट। तो पहले आप स्लैंट देखोगे कि मे बी राइटिंग इस तरफ झुक रही है, फिर आप देखोगे कितना साइज है इसका, करेक्ट, तो आप डाल दोगे कि क्या मैं जस्ट इसको दूसरे चीज में ये देखो, ठीक है, तो पहले आप देखोगे स्लैंट, ठीक है, जो भी एंगल आप कैलकुलेट कर रहे हो, करे, सो जो मैं देख रहा हूँ ये टिल्ट बेसिकली मार रहा है, करेक्ट, एट बिटवीन 125 to 135 degrees, ठीक है, मैं जस्ट एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ, करेक्ट, आपको जो नो शीट मैंने दिया था उससे आप देख सकते हो, जनरली मुझे पता चल ही जाता है, ठीक है, सो दिस पर्सन इज हैविंग सिंपथी, ओके, बट मतलब लॉजिक यूज करेगा, ओके, सो यू हैव टू एक्सप्लेन थिंग्स विद लॉजिकली इन दिस पर्सन, ओके, बिकॉज एंड ऑफ द डे डिसीजन वो वैसे ही लेगा। सेकेंड चीज आपको देखनी है कि साइज कितना आ रहा है, सो दिस पर्सन इज आउटगोइंग और हैविंग कॉन्सेंट्रेशन, करेक्ट, एंड देन आप जोन्स चेक करोगे, सो बेसिकली ये होते हैं, यू हैव टू जस्ट चेकलिस्ट 4-5 थिंग्स एट द बिगिनिंग, फिर आप लेटर्स को देख करके ये करोगे, तो इसलिए मैंने बोला कि आप अपनी राइटिंग का एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, करेक्ट, देन इट विल हेल्प यू। ठीक है, सो आई थिंक वी हैव बेसिकली रिदम का बेसिकली वी हैव कवर्ड बेसिकली, ठीक है, एंड आई विल जस्ट स्पीक अबाउट फॉर्म क्वालिटी एंड देन वी विल जस्ट एंड द क्लास, ठीक। ओके सो फॉर्म क्वालिटी रिदम ने हमने देख लिया कि राइटिंग की
कैसी टेम्पो है, बेसिकली जो टेम्पो होता है गाने का, जैसे बीट्स होता है राइट, वैसे ही राइटिंग के बीट्स होते हैं। ओके, साउंड कमिंग और नॉट कमिंग? हेलो, आवाज आ रही है नहीं आ रही है? इट्स फाइन ना। ओके, जो राइटिंग की जो बीट्स होते हैं करेक्ट, वो आर सिमिलर टू म्यूजिक होती है करेक्ट। तो हर एक राइटिंग की एक अलग टाइप की बीट होती है, लाइक कुछ इनकी राइटिंग पियानो टाइप की होती है, किनकी राइटिंग ड्रम्स टाइप की होती है। तो ये काफी जो मैं सिखा रहा हूँ बहुत ही सब्जेक्टिव है। ओके, इट इज नॉट बेसिकली वेरी ऑब्जेक्टिव सॉर्ट ऑफ थिंग, सो यू कैन अंडरस्टैंड जस्ट बाई लुकिंग की हाँ ठीक है, इस टाइप की राइटिंग ऐसी होती है, दिस टाइप की राइटिंग ऐसी होती है। तो अगर हम बीट्स बेसिकली ये होती हैं, तो फॉर्म क्वालिटी बेसिकली ये देखता है कि बेसिकली जो राइटिंग की शेप क्या होती है करेक्ट। तो कुछ लोग गोल गोल घुमा के लिखते हैं करेक्ट, और कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं करेक्ट। तो आपको देखना होता है कि शेप कैसी होती है राइटिंग की, ठीक है। एंड नेक्स्ट यू हैव टू सी कि प्रोग्रेशन कैसा है स्ट्रोक का। तो कुछ लोग आगे की तरफ लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट शो एंडिंग, फॉर एग्जाम्पल एंडिंग इज एल इज लाइक दिस। ओके, some people write ending like this, some people write ending sometimes like this, okay, कुछ लोग काफी टाइम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, सो मेनली इट इज लाइक दिस, बट इन जनरल क्या प्रोग्रेशन होती है। तीसरा चीज आपको देखना होता है कि इन टर्म्स ऑफ स्पीड कैसी चल रही है राइटिंग की, ऑब्वियसली वो पार्ट ही होता है। तो अगर आप थोड़ा सा शार्प लिख रहे हैं, ये लिख रहे हैं, तो आपकी राइटिंग की स्पीड पार्ट भी ये हो जाएगा, एंड इवन ऑर्मेंटेशन की ऑफ दी राइटिंग। ओके, कैसी राइटिंग की ऑर्मेंटेशन हो रही है, ये हो रही है। तो फॉर्म बेसिकली एक होता है कि मेनली यू हैव टू जस्ट लुक एट द शेप। ओके, बाकी सब चीजें आपको रिमेम्बर करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मेनली यू हैव टू रिमेम्बर कि वॉट आर द थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन करेक्ट। तो ये सब भूल जाओ, सो मेनली जस्ट रिमेम्बर कि वॉट इज द शेप ऑफ द राइटिंग एंड वॉट इज द क्वालिटी ऑफ द राइटिंग। ओके, सो दिस विल गिव यू द फर्स्ट इम्प्रेशन ऑफ द राइटिंग। When you get a first impression of the writing, just write one paragraph or one line. This writing is round and maybe the speed is slow and all. And उसके बाद आप जो तीन basic qualities पे focus कीजिए, slant, size and pressure. And उसके नीचे just write what are the zones that the writing is in. How much spacing it is using, okay, and all the other things, and then you can go to A, B, C, D, E till Z. What are the letters and what are the meanings of the writing? जब आपका ये बन जाएगा करेक्ट इन अबाउट 10-15 minutes, ओके, देन यू कैन बेसिकली क्रिएट अ रिपोर्ट अबाउट द राइटिंग। ओके, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी। एंड फॉर दिस पर्सनैलिटी टेस्ट एंड दीज थिंग्स कंपनीज पे बिटवीन डिपेंडिंग ऑन स्मॉल कंपनी 1,000-2,000 रेट टू अबाउट, अगर डॉलर्स में बात करें तो $100 के ऊपर लोग पे करते हैं इन US करेक्ट। तो आपको जस्ट ये पॉइंट्स बेसिकली कवर करनी होती हैं, ओके, और आप ये यूज कर सकते हो।
आप कंसल्टिंग कर रहे हैं देन यू कैन चार्ज पर आवर ऑल्सो। तो आपको जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम वन हैंड राइटिंग टिल अबाउट 100 हैंड राइटिंग्स आपको करनी है, ओके, एंड देन यू विल बिकम अ गुड एनालिस्ट। उसके बाद आप इसको किसी भी तरीके से यूज कर सकते हैं, ठीक, फॉर काउंसलिंग पीपल, फॉर क्रिएटिंग रिपोर्ट्स जैसा मैंने आपको दिखाया, जहाँ पे आपकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ओके, कंपनीज बेसिकली टेक अ कॉल, एचआर एंड एवरीथिंग, और यू कैन क्रिएट कंपैटिबिलिटी रिपोर्ट फॉर मैरिज और प्री मैरिज थिंग, ठीक। तो इसके लिए आपको अपनी हैंड राइटिंग से स्टार्ट करनी है, एंड यू गेट 100 हैंड राइटिंग्स फ्रॉम पीपल और फ्रॉम द इंटरनेट, प्रिफरेबली फ्रॉम पीपल, बिकॉज आपको फीडबैक यहाँ से मिल जाएगा, एंड देन यू कैन बिकम अ गुड हैंड राइटिंग एनालिस्ट। और इसके बाद आप, मतलब डिपेंडिंग ऑन आपके, तीन चार मार्केट्स इस तरीके से खुल जाएंगे, सो इट्स अ वेरी गुड ओपनिंग, क्योंकि टूल, क्योंकि आप बोलोगे हैंड राइट, आई एम, मुझे हैंड राइटिंग एनालिसिस आती है, लोग लिख के देंगे या से साइन करेंगे, तो देन यू कैन क्रिएट अ रिपोर्ट एंड देन यू कैन ऐड मे बी एस्ट्रो एंड न्यूमोलॉजी एंड ऑल राइट रिपोर्ट्स टू दिस, एंड देन यू कैन चार्ज नो 20-30% एक्स्ट्रा फ्रॉम पीपल। एंड अगर आप स्टेप्स फॉलो करेंगे, ये करेंगे, देन यू कैन क्रिएट अ बेसिक रिपोर्ट वेरी इजिली, और यू कैन गिव हैंड राइटिंग एनालिसिस फॉर फ्री एंड देन चार्ज फॉर एस्ट्रो न्यूमरो और वॉट एवर सॉर्ट ऑफ थिंग दैट यू कैन वर्क ऑन, और यू कैन वर्क ऑन विद स्टूडेंट्स, यू कैन बेसिकली क्रिएट दिस रिपोर्ट फॉर देयर कैरियर, हु विल बी गुड इन इंजीनियरिंग, हु विल बी गुड इन मेडिकल, हु विल बी गुड इन स्पोर्ट्स, करें, एंड व्हाट इज द बेसिक टेम्परामेंट ऑफ द पर्सन, सो ये बेसिकली आप बना सकते हो, ठीक है। एनी क्वेश्चंस एनीवन हैज, आप चैट पे लिख दो, करेक्ट, आई विल टेक द क्वेश्चंस। और वी कैन कम टू द एंड ऑफ द क्लास। हेलो लोकेश जी, मौली, नंदिता, एनीवन हैज एनी क्वेश्चंस? हाँ मौली, कुछ पूछना है? अच्छा नेट ही नहीं चल रहा बराबर, पता नहीं क्या हो गया। मैं वीडियो भेज दूंगा एनीवेज। ओके या श्योर, आई कैन सेंड अ बेसिक रिपोर्ट इन द ग्रुप, ठीक है, या इफ एनीवन डजंट वांट द रिपोर्ट आई कैन सेंड इट यू डायरेक्टली, क्योंकि इतना सारा चीज़ें, मतलब ये हो रही हैं, सो लेट मी ट्राई एंड रिमेंबर, ठीक है, सो आई जस्ट सेंड द बेसिक रिपोर्ट इन द ग्रुप, एनीवन वांट्स लाइक द ठीक प्लानर और ये, दे कैन मैसेज मी डायरेक्टली, ओके, सो आई जस्ट सेंड द बेसिक रिपोर्ट इन द ग्रुप, ठीक है। चलो, आई थिंक वी सर, ओके कवर्ड सर, इनफ पार्ट, ठीक है, एनी क्वेश्चन यू हैव यू कैन आंसर मी, और वी विल जस्ट एंड द क्लास। ओके, सो वी आर डन ओके विथ आर फर्स्ट क्लास ऑफ द ईयर, एंड हैप्पी न्यू ईयर एवरी वन। आई थिंक तबीयत सबकी खराब है, इंक्लूडिंग माइन, तो थोड़ा सा क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था आज, बट टेक केयर एंड गेट वेल सून एवरी वन, एंड हैव अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, टेक केयर, नंदिता जी, लोकेश जी, मॉली, हैव अ गुड ईयर अहेड, विश यू ऑल द बेस्ट।